हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक इनकर क्लासेस। तो गाइस, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन को स्टार्ट भी कर दिए होंगे और अपने एडमिशन का जो प्रोसेस है सारा चीज़ आपने कर लिया होगा और आपकी जो क्लासेस भी स्टार्ट हो गई होंगी। तो आपको अब केवल क्या करना है, पढ़ना ही पढ़ना है, मन लगा करके पढ़ना है। और देखिए, पढ़ने से पहले आपको बता दें कि आपको जो बुक है कौन कौन सी बुक आपको लेनी है। तो यहाँ पर देखिए, हमने विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक सामग्री यानी कि EEM यानी कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल के जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जो बुक है, तो यहाँ पे तो आपको कौन से प्रकाशन की लेनी है तो आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे एशियन प्रकाशन की जो बुक है उसके रिव्यू को यहाँ पे दिखाया है। तो यदि आप एशियन प्रकाशन की सोच रहे थे लेने के लिए, तो आप इस रिव्यू को पहले देख लीजिएगा किस प्रकार से है, तो आप इसको देख लीजिएगा, तब इसके बाद जो है आप जो है इरादा करिएगा लेने का। देखिए, यहाँ पे विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी की सामग्री इस प्रकार से यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे खूबसूरत रूप में लिखा गया है और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है। और आगे चलिए देख लेते हैं अंदर क्या, इसके अंदर चीज़ें क्या क्या रखी गई हैं। देखिए, प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जो आपका NSQF जो आपका संशोधित पाठ्यक्रम है उसके अनुसार यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं। और देखिए, यहाँ पे लिखा भी गया है कि द्वितीय वर्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के छात्रों के लिए पूर्णतया संशोधित एवं परिवर्तित संस्करण यानी कि जो संशोधन हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बनाई गई हैं, आपके लिए बनाई गई हैं। और देखिए, इसके जो लेखक हैं यहाँ पे हम बात कर ले, राम प्रकाश गुप्ता जी हैं जो कि BSc BE इलेक्ट्रिकल से हैं और इन्होंने जो है चंडीगढ़ से जो है यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, स्पेशलिस्ट हैं जो मतलब स्पेशलिस्ट हैं इन सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन IIT रुड़की से जो है मतलब बहुत ही अच्छे। अब इनकी जो यहाँ पे देखिए, इतनी इतनी चीज़ें अगर इन्होंने पढ़ा है तो इन्होंने कुछ अच्छा ही लिखा होगा। और देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि KL पॉलिटेक्निक रुड़की, तो ये KL पॉलिटेक्निक रुड़की के जो है उत्तरांचल के जो है प्राचार्य भी रह चुके हैं जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और देखिए, यहाँ पे पूजा यादव जी इसके परामर्शदाता हैं। और देखिए कि 2021-22 का सिलेबस यहाँ पे जो आपका पूर्ण रूप से संशोधित नया सिलेबस है उसके हिसाब से यहाँ पे दे रखा है इस प्रकाशन में, एशियन पब्लिशर्स में। और आगे चलिए दिखा देते हैं आपको किस प्रकार से और चीज़ें दे रखी है। देखिए, प्रस्तावना यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। तो प्रस्तावना हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, प्रस्तावना में आपको कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी कि प्रस्तावना में कि आपको ये सीखने को मिलेगा कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, किस प्रकार से इसकी जो भाषा है हिंदी जो आपकी मातृभाषा है किस प्रकार से यहाँ पे यूज किया गया है। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि हमने जो है आपका एग्ज़ाम जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है किस प्रकार से आप जब जो है सब्जेक्ट के चैप्टर को पढ़ेंगे और चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको इसमें क्वेश्चन जो है आपके दिए रह गए हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन हुआ या फिर देखिए यहाँ पे आपको दिखा दें कुछ प्रकार से हमने हाईलाइट कर रखा है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया कि उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित परीक्षाओं के प्रश्नों का यथोचित चयन तथा क्रमकरण आदि सभी प्रकार के प्रश्नों का यथोचित वर्गीकरण करके उचित सामंजस्य रखा गया यानी कि जो आपके दीर्घ लघु जो प्रश्न आपके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो उसका सभी प्रकार से यहाँ पे क्रमकरण किया गया है, सभी को समाहित किया गया है। तो आप इस प्रकार से इस जो है प्रस्तावनाओं को आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं इस बुक के बारे में। और चलिए देख लेते हैं सिलेबस कंटेंट को किस प्रकार से इस बुक में दे रखा है। देखिए, सिलेबस कंटेंट हर एक बुक में यही रहेगा, तो हर एक बुक का मतलब अलग अलग तरीका केवल लिखने का है। देखिए, सिलेबस यहाँ पे दे रखा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल का EEM जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे रेशनल लिखा गया है कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए, लर्निंग आउटकम यानी कि पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीज़ आप समझ पाएंगे, क्या क्या चीज़ आपको आप यहाँ पे अपने दैनिक जीवन में यूज़ कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे आप क्या क्या देखिए लिखा गया कि आइडेंटिफाई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल कंपोनेंट यानी कि जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट होते हैं, मटेरियल होते हैं, पदार्थ होते हैं, आप उसको आइडेंटिफाई जान जाएंगे और सिलेक्ट प्रॉपर कंडक्टिंग मटेरियल फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन यानी कि कोई चीज़ यदि आप बना रहे हैं तो आप उसमें कौन कौन से मटेरियल को आप यूज कर सकते हैं, कंडक्टर कौन कौन से यूज कर सकते हैं। तो आप इसको इस बुक में अच्छे से जब आप पढ़ेंगे सारे कंडक्टर के बारे में तो आप जो है कोई भी एप्लीकेशन जब आप यूज़ करेंगे तो आप जो है अच्छे से यूज कर पाएंगे। और देखिए, सिलेक्ट आप प्रॉपर इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर अ पार्टिकुलर एप्लीकेशन, मान लीजिए कोई आप एप्लीकेशन जो है बना रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से इंसुलेटर यानी कि कुछ अलग पदार्थ का यूज़ करना चाहिए। तो आप जब आप इस बुक में अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको जो है सर जी आपको समझ में आ जाएगी। और देखिए, यहाँ पे सजेस्ट एन अल्टरनेटिव मटेरियल इफ़ प्रॉपर मटेरियल इज़ नॉट अवेलेबल, तो यहाँ पे यदि आपके पास प्रॉपर मटेरियल नहीं अवेलेबल है तो आप एक प्रकार से सजेस्ट एक प्रकार से परामर्शदाता बन सकते हैं, बता सकते हैं कि आप जो है इसकी जगह पे इस मटेरियल को यूज़ कीजिए। तो मतलब ये बुक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है।
यदि आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं आपकी नॉलेज को अच्छे से ये बढ़ा सकती है। और देखिए आगे चलिए देख लेते हैं सजेस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन मार्क यहाँ पे क्या दे रखा है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा जो हमने बताया है सारी चीज़ों को। देखिए यहाँ पे सजेस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन मार्क जो यहाँ पे दे रखा है, यानी कि कुछ इस प्रकार से जो है सजेस्टेड किया गया है कि ये जो क्लासिफिकेशन जो आपका चैप्टर है इसको आप 10 पीरियड में ख़त्म कर सकते हैं, और जो यहाँ पे मार्क जो यहाँ पे 12% मार्क यहाँ पे अलॉटेड किया कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लास्ट में आपको दिखा देते हैं कि टोटल 100 मार्क लिखा गया है, तो 100 मार्क यहाँ पे आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा 100 मार्क का, यहाँ पे केवल आपको आपको 50 मार्क का ही एग्ज़ाम देना है, थ्योरिकल देना है, बाकी जो 50 मार्क जो होता है वो आप उसमें आपका प्रैक्टिकल और जो आपका सेशनल मार्क होता है वो ऐड होता है। तो यहाँ पे केवल 50 नंबर की ही आपको तैयारी करनी है। और चलिए देख लेते हैं डिटेल कंटेंट, आप इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल कंटेंट। देखिए क्या है कि क्लासिफिकेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इनटू कंडक्टिंग सेमीकंडक्टर कंडक्टिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल थ्रू अ ब्रीफ रेफरेंस टू दियर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एनर्जी बैंड, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर और एनर्जी बैंड के आधार पर आप जो सेमी कंडक्टर पदार्थ होते हैं या फिर सेमी कंडक्टर होते हैं या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उसको आप किस किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, किस प्रकार से आप जो है उसमें आप विभेद उत्पन्न कर सकते हैं, तो आप इस क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ने को मिलेगा। और इसलिए देख लेते हैं आगे कि कंडक्टिंग मटेरियल में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। देखिए इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा इस प्रकार से, और रेजिस्टेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग इन सच एज अलॉइंग एंड टेम्परेचर ETC, यानी कि यहाँ पे आपको रजिस्टर और जो आपका जो फैक्टर अफेक्टिंग होता है टेम्परेचर होता है सारी चीज़ यहाँ पे कंडक्टर के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी देखते हैं आगे कि रिव्यू आप सेमीकंडक्टर के बारे में आप देखेंगे, सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होता है उसकी रिव्यू को आप देखेंगे, विश्लेषण को आप देखेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है उसको आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे देखिए इंसुलेटिंग मटेरियल एंड दियर एप्लीकेशन की मतलब इंसुलेटर जो मटेरियल होता है उसका जो अनुप्रयोग है कहाँ कहाँ पे है तो इसको आप यहाँ पे देखेंगे। और आगे चलिए देख लेते हैं आगे क्या है, तो आगे कोई आगे देखिए यहाँ पे जो 6th चैप्टर आपका है मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में आप पढ़ेंगे, जो आपका मैग्नेटिक जो मटेरियल होता है उसको आप पढ़ेंगे, और यहाँ पे स्पेशल मटेरियल के बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। मतलब कहने के यहाँ पे ये है कि आप जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के छात्र मतलब एक प्रकार से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रिकल की सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और चलिए देख लेते हैं आपको यहाँ पे आगे जो विषय सूची हिंदी में दे रखी है किस प्रकार से दे रखी है। देखिए वर्गीकरण आपको दे रखा है, क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, और कंडक्टिंग पदार्थ जो दे रखा है यहाँ पे देखिए पेज नंबर भी लिख रखा है कि 16 से 50 के बीच में कंडक्टिंग पदार्थ भी है। तो आप यहाँ पे आप देखिए आप आपका जो सब्जेक्ट है जो आपका जो चैप्टर है अध्याय जो आपका है यहाँ पे 3 अध्याय दे रखे हैं, और देखिए यहाँ पे लास्ट में 9 नंबर देख सकते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि जब आप इन सभी चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको लास्ट में बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा, और हर एक चैप्टर के लास्ट में जो है आपको लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपको देखने को मिलेगा, अभ्यास प्रश्नमाला आपको देखने को मिलेगी, और प्रश्न पत्र यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो आपके लास्ट ईयर में पूछे गए थे, जो आपके मतलब इसके पहले जो एग्ज़ाम हो गए हैं उसमें जो प्रश्न पत्र इस सब्जेक्ट से बने हैं तो वो चीज़ यहाँ पे दे रखी है। और चलिए देख लेते हैं आगे कि किस प्रकार से आपका जो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे किस प्रकार से लैंग्वेज लिखी गई है, किस प्रकार से एक प्रकार से खाका आपको दिखा देते हैं कि इनसाइड द चैप्टर, यानी चैप्टर के अंदर में क्या क्या है आपको पढ़ना है। देखिए पहले छोटे रूप में लिखा गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इनटू कंडक्टिंग सेमीकंडक्टिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल थ्रू अ ब्रीफ रेफरेंस टू दियर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एनर्जी बैंड, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे जो इनसाइड द चैप्टर आपको थोड़ा सा दे रखा है, और प्रस्तावना यहाँ पे दे रखी है देखिए, और यहाँ पे देखिए लैंग्वेज अच्छी लिखी गई है, यानी कि हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया है, आसान भाषा की जो लैंग्वेज है जो आपको समझने योग्य है, यानी कि जो है अच्छे से आपको समझ जाए, तो उस लैंग्वेज को यहाँ पे हिंदी की उस लैंग्वेज को यूज़ किया गया है, बहुत हार्ड लेवल की लैंग्वेज को नहीं यूज़ किया गया है। और देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और देखिए दोस्तों हमने इसका जो सिलेबस रिव्यू थोड़ा सा हमने किया, देखिए यहाँ पे कुछ टिक लगा रखा है ना, तो हमने इसका सिलेबस रिव्यू भी हमने किया था, तो काफ़ी अच्छी सब अच्छी बुक है, इसकी जो लैंग्वेज काफ़ी अच्छी लिखी गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया सारी चीज़ों को, तो आप इस बुक को ले भी सकते हैं। और दिखा देते हैं ये बुक जो है आपकी कितनी मोटी सी बुक है, तो देखिए यहाँ पे जो बुक है बहुत पतली सी बुक है, बहुत मोटी नहीं है, लगभग यहाँ पे 150 या फिर 150 प्लस पेज होंगे इसमें, तो बहुत मोटी बुक नहीं है, तो आप इसको ले सकते हैं। और मेरा यही सजेशन यही सलाह है कि यदि आप एशियन प्रकाशन की जो लैंग्वेज है आपको अच्छे से समझ में आती है तो आप इस बुक को ज़रूर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हर एक प्रकाशन जो आपका आदर प्रकाशन सार्थक हुआ और जो प्रकाशन हुआ मित्तल का जो प्रकाशन हुआ कुमार मित्तल, तो हर एक प्रकाशन की अलग अलग बुक आती है, तो हर एक प्रकाशन की जो लैंग्वेज होती है जो लिखने का पैटर्न होता है अलग अलग तरीके से होता है, तो आपको जिस
जिस लैंग्वेज की बुक आपको अच्छी लगती है, मतलब यानी कि जिस प्रकाशन की जो लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है तो आप उसी को लीजिएगा। बाकी यहाँ पे हमने एशियन पब्लिशर की जो बुक है उसकी लैंग्वेज को, उसके जो सिलेबस रिव्यू थे, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है। तो यदि आपको ये बुक अच्छी लग रही है तो इसको ले लीजिएगा आप जा करके। और यदि आपके कॉलेज में बताया गया है कि आप इस प्रकाशन की बुक लीजिए तो आप उसको ही लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।